इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी को रूट कैसे कर सकते हैं। अब रूट करने का फ़ायदा क्या है? रूट करने का फ़ायदा ये है कि इस जो आपका एंड्रॉयड टीवी है, इसमें पहले से कई एप्लीकेशन आती हैं। जो कई एप्लीकेशन होती है वो काम की नहीं होती है, तो आप उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं रूट करने के बाद। दूसरा फ़ायदा ये कि अब है, जैसे ये जो अब मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया है, तो ये जो मूवी है ये मेरे उसमें है पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव से आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन रूट करने के बाद आप आसानी से उसको डिलीट कर सकते हैं, आपको एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि आप जो आपका फाइल मैनेजर है उसको आप अपने सिस्टम ऐप में मूव कर सकते हैं, जिसके बाद वो आसानी से पेन ड्राइव की स्टोरेज को डिलीट कर सकता है। और भी बहुत से फायदे हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये एंड्रॉयड 4.4.4 के लिए किटकैट जो का जो है, इससे ऊपर वाले में काम करेगा या नहीं करेगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन इससे नीचे वाले सभी एंड्रॉयड में काम करेगा और इसमें भी करेगा। क्योंकि ये रूट होता कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जो पुराने एंड्रॉयड थे उनमें कुछ ना कुछ कमी थी, तो उसके कारण जो हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करके उसको रूट कर सकते हैं, लेकिन अब जो नए एंड्रॉयड आते हैं उनको हम इतनी आसानी से रूट नहीं कर सकते, तो एंड्रॉयड 4.4 के लिए काम करेगा आसानी से। और बाकी में आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वहाँ पे रूट होगा ही आपका एंड्रॉयड टीवी। तो सबसे पहले मैंने इसमें किंग रूट ट्राई किया, किंग रूट से अगर आपका होता है तो बहुत अच्छा है, आप किंग रूट डाउनलोड करो और डायरेक्ट कर लो। लेकिन अगर आपका किंग रूट से नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड टीवी है ये नहीं हुआ, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, कम से कम आपको भी 2-3 बार ट्राई करना है। अगर आपका भी किंग रूट काम नहीं कर रहा है, एंड्रॉयड रूट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा मेथड जिससे आप अपने टीवी को रूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। इसके बाद पहले आपको एक प्रोसेस जान लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका ये जो टीवी है ये डेड भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से इस प्रोसेस को देख लीजिएगा। इससे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद डायरेक्ट इसमें आएगा रूट का ऑप्शन, इसको जो टर्म्स होते हैं इसको पहले एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास सीधा रूट का ऑप्शन आएगा। उस रूट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके टीवी रूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान आपका टीवी एक बार या 2 बार बंद भी हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका रूट होके तैयार हो जाएगा। ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, इसमें रूट होने में टाइम लगेगा, मैं इसको जल्दी जल्दी ये आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने किंग रूट पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो उसको अनइंस्टॉल करना होगा आपको, ये दोनों उसको साथ में अलाउ नहीं करता है। और ये एक बार हमारा ये टीवी बंद होके स्टार्ट हो गया और ये रूट हो चुका है। अब रूट हो चुका है देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रूट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस जिस एप्लीकेशन ने रूट की परमिशन मांग रखी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे लिंक टू एसडी ने मांग रखी है तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये ग्रीन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, इसको अलाउ हो जाएगा कि आप रूट एक्सेस मिल गए। अब जैसे मैंने यहाँ पे इससे पहले जो फाइल एक्सप्लोरर था उसको दी थी परमिशन, यहाँ पे ES फाइल एक्सप्लोर मान रहा था, इसको ग्रीन पे क्लिक कर दिया था तो इसको रूट एक्सेस मिल गया था। इसके बाद क्या किया मैंने, ES फाइल एक्सप्लोरर को चेक किया कि उसे रूट परमिशन मिली है या नहीं मिली है। मैंने सिस्टम ऐप्स में गया और एक सिस्टम ऐप जैसे अमेजोन की, इसको मैं डायरेक्ट अनइंस्टॉल नहीं कर सकता था, अब इसको ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और ये अनइंस्टॉल हो गई, इसका मतलब आपको रूट एक्सेस मिल चुका है। इसके बाद एक दिक्कत ये है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसको अनइंस्टॉल करना मुश्किल हो जाता है, ये अनइंस्टॉल होता ही नहीं है। अब मान लो मेरा काम हो गया रूट वाला, मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ये डायरेक्ट अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है और ना किंग रूट ओपन हो रहा है, किंग रूट को भी अनइंस्टॉल करने के लिए बोल देता है या उसको बंद कर देता है। तो इसको अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो इसका एक तरीका मेरे को मिला है कि आपको ये एक एप्लीकेशन है तो ये डाउनलोड करनी होगी, लिंक टू एसडी, या तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके टीवी में है, या फिर आप इसे किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टू एसडी को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये वो रूट की परमिशन मांगेगा, तो इसमें चाइनीज में आएगा, तो चाइनीज में जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ इसको रूट परमिशन के लिए। तो इसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा। इस एप्लीकेशन के भी बहुत फ़ायदे हैं, इसमें डायरेक्ट आप अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो ये एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में नहीं चलेगी। मैंने कई एप्लीकेशन को फ्रीज कर चुका हूँ क्योंकि ताकि वो रिसोर्स बचाती है, आपका टीवी फास्ट काम करता है। इसमें इससे आप जो सिस्टम की एप्लीकेशन है उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, जैसे ये सिस्टम की एप्लीकेशन थी। मैं इससे पहले ये बता देता हूँ कि आप अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो इसकी ये जो सेटिंग है इसमें छेड़खानी मत कीजिएगा, वरना आपको स्टोरेज फुल वगैरह ऐसी कोई एरर दिखाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको अब अनइंस्टॉल करते हैं, जो रूट एक्सेस था, तो इसमें डायरेक्ट ये ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो
यहाँ पे आप इन दोनों ऑप्शन में से एक चूज कर लीजिए। मेन है इसमें जो ये नीचे वाला ऑप्शन है चाइनीज में दे रखा है लेफ्ट साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका अनरूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा और ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। और ये चेक करना है कि आपका अनरूट हो चुका है कि नहीं, तो आप किसी इसी एप्लीकेशन में मतलब देख लीजिएगा फ्रीज वगैरह या कुछ भी ऑप्शन यूज लेके सिस्टम ऐप में मूव करके, तो वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्ट टीवी में रूट एक्सेस ले सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।